नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अक्षर पटेल। आज हम आपको दिखाने वाले हैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी शिव जी का स्टैचू, जो कि मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं। वेल, इसको जो बनाया है वो है मिस्टर मदनलाल पालीवाल, जो कि मिराज ग्रुप ऑफ कंपनीज के ओनर है। और यहाँ पे मुरारी बापू की अभी कथा भी बैठी हुई है, जो 9 दिन तक चलेगी। और उसके बाद ये मूर्ति तक जाने का रास्ता, आगे जो फ्रंट से जाने का रास्ता है वो शुरू होगा। अभी फ़िलहाल शुरू नहीं हुआ है, लेकिन आप मेरे पीछे देख सकते हैं। तो वेल, उसके ऊपर तक भी जो पीछे जो शिव जी की जटाएँ है, वहाँ पे एक रेलिंग बना के एक रास्ता दिया हुआ है, और एक डोर भी वहाँ यहाँ से मुझे दिख रहा है। तो हो सकता है कि आप वहाँ तक भी फ्यूचर में जा पाएंगे जब ये रास्ता खुल जाएगा। तो चलिए आपको दिखा देता हूँ मैं थोड़ा क्लोजअप शॉट्स। तो ये है जटा के पीछे आप जो एक बालकनी जैसा देख रहे हैं, तो वहाँ से शायद आपको नाथद्वारा का व्यू दिखेगा, ऐसा कुछ मेरे हिसाब से हो सकता है। और त्रिशूल बना हुआ है और नीचे एक बड़ा सा वाइट कलर का पत्थर है जिसके ऊपर शिवजी यहाँ पे विराजमान हुए हैं। अगर आप अहमदाबाद की ओर से आते हैं तो नाथद्वारा से एग्जैक्ट 2.5 किलोमीटर्स पहले आपको यहाँ पे मुड़ने का कट मिल जाएगा। और अगर नाथद्वारा दर्शन करने के बाद आप वहाँ से बाहर निकलते हैं तो एग्जैक्ट 2.5 किलोमीटर्स में आपको ये स्टैचू तक आने का कट भी मिल जाएगा। तो वेल, विश्वास स्वरूपम ये जगह का नाम है, तो आप गूगल में सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आसपास आपको रहने के लिए होटल वगैरह सब मिल जाएगा, और पार्किंग की भी यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ है, बढ़िया सा पार्किंग है। तो वेल, ये था थोड़ा सा ग्लिम्स। जब ये पूरा शुरू हो जाएगा तो एक बार फिर हम यहाँ पे आएंगे और फिर मैं आपको एक पूरा टूर कराऊंगा।